जैसा कि सुबह एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को बताया था कि बीएड अभ्यर्थियों की प्राथमिक शिक्षक भर्ती एलिजिबिलिटी मैटर पर फैसले के संदर्भ में एक याचिका दायर की गई है ताकि फैसला जल्द माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिलीवर कर दिया जाए। आप इसका कोर्ट ऑर्डर देख पा रहे होंगे, 15 मई 2023 को ये सुनवाई कंप्लीट हुई है, जिसमें इस केस को फिर से जुलाई के तीसरे सप्ताह में लिस्ट किए जाने के लिए माननीय कोर्ट ने बोला है। इस याचिका के लिए करंट स्टेटस आप देखेंगे तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर करंट स्टेटस में लिखा गया है 17/7/2023 यहाँ पर मेंशन किया गया है, यानी कि 17/7/2023 के आसपास इसको लिस्ट किया जा सकता है। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है जुलाई के तीसरे सप्ताह में इस केस को लिस्ट किए जाने के संदर्भ में, वो इस मामले पर सुनवाई के लिए है कि फैसला डिलीवर होगा या नहीं। ये नहीं है कि आपका फैसला जुलाई माह में डिलीवर करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट बाध्य है। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के कन्फ्यूजन में हैं कि जुलाई में फैसला आने जा रहा है। देखिए, ये फैसला आने के लिए नहीं है, जो याचिका दायर की गई है उस पर सुनवाई के लिए बोला गया है जुलाई के तीसरे सप्ताह में, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट से आप सिर्फ प्रेयर कर सकते हैं। वहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट एक स्वायत्त संस्था है जिस पर ना तो राज्य सरकार ना तो केंद्र सरकार दबाव डाल सकती है किसी भी फैसले के लिए। हाँ, लेकिन प्रेयर किया जा सकता है एक इंट्रोडक्शन एप्लीकेशन दायर करके या फिर याचिका दायर करके, उसी का ये पार्ट है, इससे ज़्यादा इसका कोई भी मतलब नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है कि वह कब फैसला देगी, ठीक है। इसी को लेकर के आज 16 मई 2023 को एक ऑनलाइन IRS कंप्लेंट के माध्यम से जो KVS PRT की भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें KVS के रिजल्ट को रोके जाने के लिए यहाँ पर एक तरीके से आग्रह किया गया है। जो कमिश्नर हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के, उनको यह पत्र लिखा गया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें इसी बात का जिक्र किया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में फैसला जल्दी देने के संदर्भ में एक याचिका दायर की गई है, जिसके लिए जुलाई में फैसला आने की उम्मीद बताई जा रही है। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी फैसला कब आएगा इसको लेकर के स्थिति साफ नहीं है, लेकिन जो मैंने आपको बताया, जो कोर्ट ऑर्डर और जो ये सभी चीज़ें दिखाई, उसके आधार पर ये बोला गया है कि जुलाई में फैसला आने की संभावना है, और इसलिए जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक KVS PRT के रिजल्ट पर रोक लगाई रखी जाए और उसका रिजल्ट ना जारी किया जाए, ऐसा गुहार लगाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट पैरा में, रिस्पेक्टेड सर, प्लीज इशू रिजल्ट ऑफ रिटन एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर्स इन द लास्ट वीक ऑफ जुलाई 2023 आफ्टर फाइनल जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट सो दैट नो फर्दर ऑब्स्टेकल्स बी रिमेन इन फ्यूचर एंड टिल लास्ट जुलाई 2023 रिजल्ट शुड बी केप्ट इन एबियंस। और साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं अटैचमेंट भी लगाया गया है कि नोटिस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन विच द रिटन दैट केस इज लिस्टेड इन थर्ड वीक ऑफ जुलाई 2023। तो ये सब कुछ प्रक्रिया चल रही है जिसमें KVS के चेयरमैन से ये आग्रह किया गया है कि KVS PRT का रिजल्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने तक रोक लिया जाए ताकि ये सभी विवाद फिर से ना हो बीएड की पात्रता को लेकर के। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।